हेलो माई डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैं क्या डिस्कशन किया था, डेल टू टी माइनस वन। देखो डेल टू टी माइनस वन व्हाट डज मीन, इट मीन्स वन बाई टू मोर डेल टी माइनस वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिमिलर यू कैन से डेल सपोज थ्री टी माइनस वन, दिस इज वन बाई थ्री मोर डेल टी माइनस वन। सपोज डेल फाइव टी प्लस वन, दिस इज वन बाई फाइव मोर डेल टी प्लस वन। ये मैंने समझाया था, समझाया था। तो सोचो कि कैसे शिफ्टिंग देन स्केलिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। शिफ्टिंग टी माइनस वन हो गया, टी प्लस वन हो गया, देन स्केलिंग मतलब वन बाई फाइव मोर। स्केलिंग के बाद क्या होता है, वन बाई फाइव मोर हो जाता है ना। इम्पल्स फंक्शन में, इम्पल्स फंक्शन में, एनी फंक्शन में नहीं, ओनली इम्पल्स फंक्शन में। सर तुम बोलोगे सर एक्स ऑफ फाइव टी प्लस वन दिस इज वन बाई फाइव एक्स ऑफ टी प्लस वन। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। समझ पा रहे, ओनली इम्पल्स फंक्शन में होता है, बिकॉज ये एरिया है, ये हाइट है, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है, इम्पल्स केस में ओनली। ओके, सो नाउ देखो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज यू आर हैविंग डेल माइनस टी माइनस वन, सो शिफ्टिंग करके फोल्ड कर सकते हो। फोल्डिंग करके शिफ्ट करोगे तो मैं बोला था रिवर्स होगा, तो शिफ्टिंग करके फोल्ड कर लो। तो दिस इज डेल टी माइनस वन पहले कर लो, उसके बाद फोल्ड करो टाइम एक्सिस में। समझ में, यानी कि ये तुम्हारा डेल टी है, ये डेल टी, ये तुम्हारा डेल टी, एरिया तो वन है, जीरो। नाउ इसको शिफ्ट करो वन को, वन पोजिशन को टाइम में। सो दिस इज डेल टी माइनस वन हो गया, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज वन पोजिशन। नाउ माइनस एन फोल्ड करो, फोल्ड मतलब कौन सा एक्सिस में, टाइम एक्सिस में। ये टाइम एक्सिस, यहाँ पे मिरर रखो, टाइम एक्सिस अगर ये है तो ये प्लेन होगा, टाइम के साथ जो प्लेन है, टाइम एक्सिस के जो प्लेन, तो यहाँ पर माइनस वन बन गया इम्पल्स, डेल माइनस टी माइनस वन, ये आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक है कि नहीं। नाउ इसको इस तरह भी कर सकते हो, देखो ध्यान से। तो डेल, तुम बोलोगे सर डेल माइनस टी माइनस वन, इस तरह हो गया ना, डेल माइनस वन इंटू टी माइनस वन। तो पहले क्या करना है, डेल टी माइनस वन कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं। देन क्या करना है, तो एरिया क्या होगा इसका, वन बाई माइनस वन का मोड, एरिया तो ये हो जाएगा। लेकिन माइनस वन स्केलिंग फैक्टर ना, स्केलिंग फैक्टर तो माइनस वन है ना, टाइम स्केलिंग में। तो ये जो वन है माइनस वन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केलिंग होगा ना टाइम में। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, डेल टी माइनस वन दर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन टाइम में स्केलिंग कर रहे हो ना, टाइम में स्केलिंग मतलब एरिया तो ये बन जाएगा, नो डाउट्स, वन हो गया ना एरिया। लेकिन टी में माइनस वन, वन में माइनस वन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ टी माइनस वन कर लिया ना, वन में माइनस वन मल्टीप्लाई करना से यहाँ पे फिर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। ओके, तो एरिया एंड लोकेशन ऑफ द इम्पल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया एंड लोकेशन ऑफ द इम्पल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पे कितना ऑपरेशन चल रहा है, फोल्डिंग, देखो शिफ्टिंग, फोल्डिंग। अगर स्केलिंग भी देखो, स्केलिंग मतलब वन के साथ स्केलिंग हो रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं, शिफ्टिंग फोल्डिंग स्केलिंग, शिफ्टिंग फोल्डिंग देन स्केलिंग मतलब वन के साथ, वही होगा। अदरवाइज अगर तुम बोलोगे सर नहीं, दो ऑपरेशन, शिफ्टिंग स्केलिंग विद माइनस वन, देन ऑल्सो यू कैन थिंक अकॉर्डिंग, शिफ्टिंग स्केलिंग विद माइनस वन, माइनस वन स्केल कर दो, लेकिन एरिया पहले निकालना पड़ेगा। ये चीज, कोई भी स्केलिंग कर रहे हो इंपल्स में, एरिया निकालना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सपोज यू आर हैविंग, देखो ध्यान से, सपोज यू आर हैविंग डेल ऑफ माइनस टू टी प्लस थ्री, माइनस टू टी प्लस थ्री, तो क्या होगा, सिग्नल, सिग्नल का प्लॉट क्या होगा। देखो इसमें तीन तीन ऑपरेशन है, शिफ्टिंग है, स्केलिंग है, फोल्डिंग है। तुम बोलोगे सर शिफ्टिंग डायरेक्ट स्केलिंग बाय एन अमाउंट ऑफ माइनस टू है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरह सोच सकते हो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, डेल ऑफ माइनस टू टी प्लस थ्री, ध्यान से देखो, डेल ऑफ टी प्लस थ्री कर दिया, समझ में आया, देन उसके बाद डेल ऑफ माइनस टी प्लस थ्री कर दिया, देन उसके बाद डेल ऑफ माइनस टू टी प्लस थ्री कर दिया। यानी कि पहले शिफ्ट देन फोल्ड देन स्केल, लेकिन एरिया क्या होगा। इंपल्स जब सोच रहे हो ना,
उसका एरिया को देखना पड़ेगा, दिस इज 1 बाई माइनस 2 का मॉड, यही चीज इंपॉर्टेंट है, और तो कुछ भी नहीं, और तो जो कर रहे हो वही है, समझ में आ रहा है। यानी कि देखो यहां पे तुम्हारा इंपल्स क्या है, ये है डेल टी, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल टी प्लस 3, माइनस 3 को हो गया शिफ्ट हो गया, डेल टी प्लस 3। एक्चुअली यहां पे लिखना चाहिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं इजी क्विक विजुअलाइजेशन के लिए। नाउ देखो शिफ्ट हो गया, देन क्या करना है, फोल्ड करना है, मिरर रखो तो 3 को आ जाएगा डेल ऑफ माइनस टी प्लस, ठीक है, मैं समझाया था ना क्या क्या करना, अभी क्या करना है, स्केल करना है, स्केल मतलब ए घटा तन मान ना, फोल्ड हो चुका ऑलरेडी, अभी 2 में स्केल करना है, मतलब ये टी हो गया आप 3/2, ये हो गया तुम्हारा इंपल्स डेल ऑफ माइनस 2t प्लस, लेकिन एरिया क्या होगा, एरिया 1/2, यही चीज इंपॉर्टेंट है, एरिया क्या होगा, एरिया सर्कल के अंदर लिख रहा हो ना, एरिया क्या होगा, एरिया 1/2, समझ में आ रहा है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, दैट मीन्स अगर किसी भी सिग्नल तुमको दिया गया, इसको सर मल्टीप्लाई कीजिए, कोई बात नहीं, अब इसको मल्टीप्लाई करो एक्स टी के साथ, सपोज कोई भी सिग्नल एक्स टी गिवन है, दिस टाइप ऑफ सिग्नल एक्स टी, ना हो एक्स 3/2 में जो वैल्यू होगा, 3/2 में जो वैल्यू होगा वही होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्स 3/2 में जो वैल्यू होगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, बस दर्शन, तो पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, यही कंसेप्ट है, स्टूडेंट्स लोगों का कंफ्यूजन इसी में चलता रहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है एरिया फाउंड आउट करना इंपल्स का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एरिया क्या होगा उसको देख लो एक बार, समझ में जाएगा। दैट मीन सपोज आई एम हैविंग दिस सिग्नल एक्स टी डेल ऑफ 2t माइनस 1 सपोज, देन इसको किस तरह लिखते हो, एक्स टी इसको इस तरह लिख सकते हो ना, आई हैव टोल्ड शिफ्टिंग, देखो पहले शिफ्टिंग करोगे देन स्केलिंग करोगे, पहले शिफ्टिंग करोगे देन स्केलिंग करोगे, स्केलिंग करने के बाद एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया देखो पहले शिफ्टिंग करोगे ना डेल टी प्लस डी माइनस 1, यानी कि यहाँ पे आ गया 1 को, ये इंपल्स हो गया, देन इसका तो एरिया 1 था ना, अरे प्रीवियसली डेल के पहले जो एरिया वही था, ना आप स्केल करोगे, स्केल मतलब क्या होगा 1/2 में हो जाएगा, अरे स्केल मतलब 2 मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1/2 ना, डिवाइड करोगे एक्चुअल 2, सो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यही चीज एरिया क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यही चीज है इंपॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंट चीज, मतलब सिग्नल हाफ में, तो इसका हाफ में वैल्यू मतलब एक्स टी, दिस हाउ टू राइट द सिग्नल, कैन राइट 1/2 डेल टी माइनस हाफ, ये अगर समझ में आ गया तो आ गया सब कुछ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अगर समझ में आ गया तो आ गया। तुम बोले सर ऐसा कैसे हो गया, डेल 2 कॉमन लेके टी माइनस 1 कर दिया, 2 कॉमन लेके टी माइनस हाफ कर दिया, तो ऐसा तो नहीं होता, ये टोटल टी माइनस हाफ में हो गया ये, लेकिन ये सिग्नल क्या है, ये 2 जो है इधर 1/2 होके आ जाएगा एरिया में, ये इंपल्स केस में पॉसिबल, ओनली इन केस में इंपल्स, ये सिग्नल अब बन गया ना, ये अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुश्किल चीज नहीं, समझ में आ रहा है, स्केल भी किया, स्केल करने के बाद ये तुम्हारा सिग्नल क्या हो गया, ये सिग्नल हाफ डेल 2t माइनस 1 हो गया ना, स्केल किया ना, यहाँ पे पोजीशन भी चेंज हो गया टाइम में, एरिया भी चेंज हो गया, समझ में आ रहा है, हाफ डेल टी माइनस हाफ इसको लिख सकते हो, और डेल 2t माइनस 1 लिख सकते हो, हाफ डेल 2t माइनस 1, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो दिस इज यू कैन से डेल टू टी माइनस वन, ये इंपल्स है ना, ये डेल टी माइनस 1, ये डेल टू टी माइनस 1, इसका एरिया हाफ, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, तो इसका तो कुछ नहीं, 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, तो एक्स ऑफ हाफ डेल टी माइनस हाफ हो जाएगा, ये सीधा ये सेम है ना, एक्स ऑफ हाफ डेल टी माइनस हाफ हो जाएगा, ये सिग्नल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, हाफ में, एरिया कितना है 1/2 डेल टी माइनस हाफ लिख सकते हो इसको, तो इसको इस तरह लिख सकते हो,
समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो किसी भी इंपल्स को तुम लिख सकते हो आराम से, द पिंस इसका एरिया अब क्या हो गया, टोटल एरिया ये हो गया हाफ इंटू एक्स हाफ। ठीक है, ओके। अब देखो कुछ भी अगर क्वेश्चन गिवन है, बहुत आसान है। इंपल्स को ध्यान से देखना। सपोज यू आर हैविंग डेल टू टी माइनस फाइव, ये एक्चुअली क्या है? देखो पहले दिमाग में लाओ, अगर मैं इंपल्स को शिफ्ट करता हूं तो क्या होगा, देन उसके बाद एक्चुअल एरिया। इंपल्स को अगर ये यूज करूंगा शिफ्टिंग फोल्डिंग स्केलिंग प्रॉपर्टी तो क्या होगा, देन एरिया क्या होगा, यही सोचना है ना बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं सोचना है। तो पहले शिफ्टिंग समझा था, पहले शिफ्टिंग ऑपरेशन देन फोल्डिंग ऑपरेशन देन स्केलिंग ऑपरेशन, जस्ट नहीं। शिफ्टिंग अगर पहले शिफ्टिंग करूंगा तो कहां पे आ जाएगा, ये फाइव में आ जाएगा इंपल्स, डेल टी माइनस फाइव हो गया। किसको? डेल टी को। डेल टी से ये फंक्शन कैसे पाना है, तो फाइव का आ गया। देन मैं क्या करूंगा, देन फोल्डिंग करूंगा, शिफ्टिंग बाद फोल्डिंग, फोल्डिंग मतलब यहां पे मिरर, टाइम एक्सिस में मिरर, माइनस फाइव का आ जाएगा, ये इंपल्स हो गया, डेल ऑफ माइनस टी माइनस फाइव, ये हो गया। देन क्या करना है, लेकिन अगर तुम ये ऑपरेशन कर रहे हो, देखो ये ऑपरेशन मतलब एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया वन रहेगा ना। आप क्या कर रहे हो, स्केलिंग ऑपरेशन कर रहे हो। स्केलिंग मतलब क्या, टू में, टू में अगर स्केलिंग करोगे तो ये जो स्केलिंग फैक्टर माइनस फाइव बाई टू हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ना माइनस फाइव बाई टू, डिवाइड हो जाएगा ना, देन एरिया क्या हो जाएगा। यही चीज, यही इंपॉर्टेंट चीज, समझ, मतलब ये फंक्शन यहाँ पे आ गया, एरिया क्या होगा, वन बाई टू, एक्चुअली फोल्डिंग पहले ले लिया ना, वन बाई टू माइनस टू मोड वन बाई टू, दिस इज वन बाई टू। नाउ इस फंक्शन को कैसे लिखोगे, वन बाई टू, नाउ दिस इज इंपल्स, वन बाई टू, हुज एरिया इज वन बाई टू, डेल ऑफ टी प्लस फाइव बाई टू, ये कॉन्सेप्ट। तो इसको अगर इस तरह लिख लिया, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया अभी, और कुछ भी बचा नहीं, समझ में आ रहा है? इसको इस तरह लिखना पड़ेगा। एक बार इस तरह लिख दिया, सपोज ये फंक्शन एक्स टी मल्टीप्लाइड बाई डेल माइनस टू टी माइनस फाइव गिवन है, तो इसको इस तरह लिख दो ना, एक्स टी देन हाफ डेल टी प्लस फाइव बाई टू। अब तो तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म हो गया ना, वन बाई टू बाहर ले लो, देन एक्स ऑफ ये टी प्लस फाइव बाई टू, एक्स ऑफ माइनस फाइव बाई टू, देन डेल टी प्लस फाइव बाई टू हो गया, ये हो गया खत्म। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कि नहीं? अगर इसका पूरा का पूरा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इंटीग्रेशन पूछता है तो कोई बात नहीं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक्स ऑफ टी डेल ऑफ माइनस टू टी माइनस फाइव डी टी, यही पूछेगा ना। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी, इसको इस तरह लिख दो ना, किस तरह, ये हाफ डेल ऑफ टी प्लस फाइव बाई टू डी टी। अब तो खत्म हो गया काम, वन बाई टू, देखो एक्स ऑफ माइनस फाइव बाई टू, दिस इज आंसर, वन बाई टू बाहर, दिस इज आंसर। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। तो पहले इंपल्स को कैसे लिखना पड़ेगा, कोई भी इंपल्स जिसमें सारा का सारा थ्री टाइम प्रॉपर्टीज अप्लाइड है और कोई भी टू प्रॉपर्टीज टाइम प्रॉपर्टीज अप्लाइड है, देन इसको पहले कैसे लिखूंगा, वही इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक बार लिख दिया मतलब काम खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देन जितना भी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंपल्स दिया जाएगा उसको आराम से हैंडल कर सकते। नाउ सपोज डेल ऑफ टी माइनस वन बाई टू, ध्यान से देखो इसको, इसको समझ में नहीं आता ज्यादातर स्टूडेंट लोगों का, कुछ नहीं है, पहले मैं लिखूंगा, देखो पहले मैं ड्रॉ करता हूं अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, डेल टी यहां पे, देन मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, पहले टी बाई टू, मैं बोला था ना इस टाइप का फंक्शन, पहले टी बाई टू स्केल कर लो, स्केल अगर करोगे डेल टी बाई टू कर लेते हैं, ध्यान से देखो डेल टी बाई टू कुछ नहीं होगा ना, टू में तो ये जीरो में एग्जिस्ट कर तो वही रहेगा, डेल टी बाई टू जब कर दिया तो वही रहेगा, लेकिन डेल टी बाई टू करने से एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, वन बाई टू, दैट मीन्स टू हो जाएगा, यही चीज। देन इसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिफ्ट कर लो,
ये टी है, अब टी माइनस वन कर लो ना, टी माइनस वन, अरे स्केलिंग किया उसके बाद शिफ्टिंग किया तो ये सिग्नल तो मिल जाएगा। देन अगर तुम शिफ्ट करोगे वन को तो वही सिग्नल जिसका एरिया दो है ये मिल जाएगा, समझ में आया, ये मिल जाएगा। कहाँ पे मिला ये? ये वन पे मिला, दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हो, टू डेल टी माइनस वन, ये मिल गया, ये चीज, दैट मीन्स इसको लिख सकते हो टू डेल टी माइनस वन, यही तो कर रहे हो ना, ये सिग्नल को इस तरह लिख सकते हो। अगर इस तरह लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स सपोज एक्स टी गिवन डेल टी माइनस वन बाई टू, दैट मीन्स यू कैन राइट एक्स टी टू डेल टी माइनस वन, अब तक दैट मीन्स यू विल फाइंड दिस इज योर टू, तो बाहर निकाल सकते हो एक्स ऑफ वन, ये आंसर हो गया, सॉरी एक्स ऑफ वन इंटू डेल टी माइनस वन, अगर इसको इंटीग्रेशन करोगे टू एक्स ऑफ वन मिल जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ इसको देखो, इस तरह अगर तुम सोचोगे सर ये फंक्शन को मैं इस तरह सोचता हूँ, देखते हैं वहाँ वही फंक्शन मिल रहा है कि नहीं, सपोज डेल ऑफ वन बाई टू टी माइनस हाफ, इस तरह कर सकते हो, तो पहले शिफ्टिंग कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाफ को, हाफ को इम्पल्स आ जाएगा, दिस इज डेल टी माइनस हाफ, देन स्केलिंग करो, जब स्केलिंग कर रहे हो एरिया चेंज होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इम्पल्स में एरिया चेंज होगा, तो वन बाई वन बाई टू टू हो जाएगा। नाउ स्केलिंग मतलब वन बाई टू है, यहाँ पर वन बाई टू है, तो वन बाई टू लेस देन वन, मतलब टू से मल्टीप्लाई किया जाएगा, सो दैट मीन्स वन को आ जाएगा, वन एरिया क्या हो जाएगा, टू, टू एरिया टू हो गया, मतलब अभी ये सिग्नल क्या रहा, टू डेल टी माइनस वन, वही जो पहले था, वही जो पहले था टू डेल टी माइनस वन, जिस प्रकार भी सोचोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आपको डाउट, पहले इंपल्स को देखो कैसे लिखना पड़ रहा है, उसके बाद एक्चुअली प्रॉपर्टी जो है तुम्हारा सैम्पलिंग प्रॉपर्टी उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया, अब देखो एक क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन देख लो, सपोज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ऐसा है एक क्वेश्चन, एक्स टी डेल ऑफ माइनस टू टी प्लस वन बाई थ्री, देखो ये क्वेश्चन डी टी, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहले ये इंपल्स को सोचो, डेल ऑफ माइनस टू टी प्लस वन बाई थ्री, ध्यान से रखो ये इंपल्स है ना, इंपल्स, तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, देखो डेल पहले टी बाई थ्री कर लो, मैं बताया था, देन डेल टी प्लस वन बाई थ्री कर लो, देखो टी बाई थ्री के बाद टी प्लस वन बाई थ्री करना पड़ेगा, ठीक है। देन फोल्डिंग कर लेते हैं, डेल माइनस टू टी प्लस वन बाई थ्री कर लो, कोई प्रॉब्लम, देन दिस सॉरी माइनस टी, फोल्डिंग किया ना, ओनली फोल्डिंग, देन फिर से स्केलिंग करो, डेल माइनस टू टी प्लस वन बाई थ्री, ये फोर स्टेप्स फॉलो करो, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर, ये स्टेप्स फॉलो करो, अभी मिल जाएगा सिग्नल, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो डेल ये टाइम एक्सिस है ना, देखो कैसे निकाल रहे हो, इसको कैसे लिख रहे हो इजी फॉर्म में, यही चीज, डेल टी बाई थ्री जब करोगे एरिया कितना हो जाएगा, वन बाई वन बाई थ्री हो जाएगा ना, इम्पल्स तो टी में एग्जिस्ट करेगा, मतलब यहाँ पे इम्पल्स एक्चुअली सपोज दिस इज डेल टी, ध्यान से देखो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, डेल टी, नाउ पहले डेल डेल टी बाई थ्री कर लेते हैं, टी बाई थ्री मतलब थ्री, वन बाई थ्री, हाँ स्केलिंग हो गया ना, दिस इज इम्पल्स तो वही रहेगा, थ्री हो जाएगा एरिया, गुड। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं, प्लस टी प्लस वन मतलब माइनस वन को शिफ्ट करते हैं, वही इंपल्स जिसका एरिया थ्री वो शिफ्ट हो गया, समझ में आ रहा है। देन इसको फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने से क्या मिलेगा, देखो यहीं पे कर रहा हूँ, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इधर मैं कर लेता हूँ, देखो तो फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे मिरर रखूँगा ना तो वन को आ जाएगा, वन इंपल्स थ्री फोल्डिंग किया, उसके बाद फिर स्केलिंग टू में, जब स्केलिंग टू में करूंगा, ध्यान से देखो, जब स्केलिंग टू में करूंगा मतलब वन बाई टू हो जाएगा, ये मतलब ये टाइम एक्सिस है,
वन बाई टू एग्जिस्टेंस देखो, वन बाई टू में होगा इम्पल्स, लेकिन एरिया क्या है जगह, टू में स्केलिंग कर रहा हूँ, एरिया फिर से वन बाई टू इंटू दैट होगा, तो पहले थ्री था ना, अब एरिया होगा थ्री बाई टू, वन बाई टू इंटू थ्री, अरे थ्री था वन बाई टू हो जाएगा ना फिर एरिया, एरिया में वन बाई टू मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री बाई टू, ये सिग्नल है। दैट मीन्स इसको कैसे लिख सकते हो, थ्री बाई टू डेल टी माइनस हाफ, ये इस तरह लिख सकते हो, थ्री बाई टू डेल टी माइनस, सॉरी हाफ, एक मिनट, ये कहाँ पर कौन सा ड्रॉ, हाँ टी माइनस हाफ, यस टी माइनस हाफ, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है ना। अगर इस फंक्शन को इस तरह लिख दिया तो अभी तो सॉल्व हो गया तुम्हारा, जो भी कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी डेल, इसको इस तरह लिख दिया थ्री बाई टू डेल टी माइनस हाफ डी टी, देखो थ्री बाई टू बाहर निकाल दो, अब क्या होगा एक्स टी डेल टी माइनस हाफ, तो यहाँ पे लगा लो जो प्रॉपर्टी टी माइनस टी जीरो वाला प्रॉपर्टी, एक्स टी टी माइनस टी जीरो दैट मीन्स एक्स ऑफ टी जीरो हाफ, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, समझ में आ रहा है। तो कोई भी सिग्नल अगर गिवन है तो पहले डेल टी का रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह दिमाग में रहना चाहिए, एक बार डेल टी का रिप्रेजेंटेशन मिल गया तो उसको डाल दो मिल जाएगा, रटना नहीं है, रटने से कुछ नहीं होगा, कैसे हो रहा है उसको देखो ध्यान से समझो, हाँ तभी हो जाएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर आर नॉट, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, गुड। तुम लोग के साथ इसको ऐसे भी सोच सकते हो, डेल माइनस टू बाई थ्री, टू माइनस टू बाहर रखो, देन अगर कॉमन लिया टी माइनस वन बाई टू हो गया ये, देन डिवाइड बाई थ्री, इसको डेल माइनस टू बाई थ्री कर सकते हो, टी माइनस हाफ ऐसे भी कर सकते हो, तुम लोग सारे ऐसे भी हो सकता है, समझ में आ रहे कि नहीं। तो एरिया थ्री बाई टू हो जाएगा, वन बाई टू बाई थ्री का माइनस टू बाई थ्री का मोड हो जाएगा, ये इस तरह भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा है, क्लियर आर नॉट, सोच सकते हो लेकिन कॉन्सेप्ट ये है। तो पहले सिग्नल को ड्रॉ करो क्या मिलता है, उसके बाद देख लो क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको इस तरह भी सोच सकते, डेल टू टी प्लस वन, सॉरी माइनस टू टी प्लस वन बाई थ्री, तो पहले तो करना पड़ेगा, तो तुम बोलोगे सर मैं पहले डेल ऑफ ये करता हूँ टी बाई थ्री, अगर डेल ऑफ टी प्लस वन पहले कर लिया ना, देखो डेल ऑफ टी प्लस वन, देन तुमको नहीं मिलेगा ये सिग्नल, कैसे मिलेगा डेल टी प्लस वन, इसमें क्या ऑपरेशन करने से फिर ये मिलेगा, तुम बोले सर डेल टी बाई थ्री करो, अरे टी बाई थ्री इधर हो जाएगा ना, वन में तो नहीं होगा ना, तो इसीलिए पहले दिस ऑपरेशन यू जस्ट मेक, आई हैव टोल्ड, आई हैव डिस्कस्ड टी बाई थ्री, देन क्या करना पड़ेगा डेल टी प्लस वन बाई थ्री शिफ्टिंग, अभी शिफ्टिंग लगा लो, देन आइदर फोल्डिंग कर सकते हो और स्केलिंग कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, फोल्डिंग स्केलिंग इंटरचेंजेबल, कुछ भी कर सकते हो, पहले फोल्डिंग देन स्केलिंग और स्केलिंग देन फोल्डिंग कर सकते हो, कुछ भी ऑपरेशन करके सिग्नल पा सकते हो। सपोज तुम बोलोगे सर पहले मैं स्केलिंग करूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम टू टी प्लस वन बाई थ्री, क्योंकि यहाँ पर टी की जगह माइनस टी डालने से मिल जाएगा ना, देन फोल्डिंग माइनस टू टी प्लस वन बाई थ्री, एक एक स्टेप अगर ड्रॉ करोगे डायरेक्टली, मैं क्विकली कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये टी बाई थ्री मतलब लोकेशन क्या हो जाएगा, थ्री में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इम्पल्स तो जीरो में था ना, जीरो में इन्फिनिटी, तो ये थ्री इंटू जीरो अगेन जीरो, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, थ्री हो जाएगा एरिया पहले डेल टी बाई थ्री का, उसके बाद क्या करना है शिफ्टिंग करना है, मतलब माइनस वन को हो जाएगा माइनस वन, वही फंक्शन शिफ्टिंग में एरिया चेंज नहीं होता ना, शिफ्टिंग कर लिया तो ये हो गया थ्री, देन उसके बाद कौन सा स्टेप फॉलो किया गया यहाँ पे, स्केलिंग, स्केलिंग मतलब टू में स्केलिंग, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू ये सिग्नल हो गया, एरिया थ्री, एरिया थ्री नहीं रहेगा, अरे स्केलिंग किया ना फिर से, एरिया पहले थ्री था स्केलिंग किया टू में, तो वन बाई टू मतलब एरिया हो जाएगा थ्री बाई टू, यही चीज स्केलिंग के बाद एरिया चेंज होता है। अब क्या करना है फोल्डिंग, फोल्डिंग मतलब आप मेरा रखो ये मिल जाएगा थ्री बाई टू हाफ, तो क्या होगा थ्री बाई टू डेल टी माइनस, इसको कैसे लिखोगे थ्री बाई टू डेल टी माइनस हाफ, यही सिग्नल है ना, यही सिग्नल थ्री बाई टू डेल टी माइनस हाफ, समझ में आ रहा है,
क्लियर और नॉट, मतलब ये सिग्नल को इस तरह प्रेजेंट कर सकते हो। एक बार ये सिग्नल को इस तरह प्रेजेंट कर लिया, अब काम खत्म हो गया, अब काम खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? गुड, दैट मीन्स यू मे कंसिडर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स टी, दिस इज 3/2 डेल टी माइनस हाफ, देन इसके जगह पे ये डेल लगा सकते हो डी टी, मतलब ये हो गया 3/2 बाहर ले लो एक्स टी, तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी लगा लो ना एक्स हाफ, ये आंसर है, ये आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं, और कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके।